जिले में 6 जनवरी को होने वाले सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की तैयारियों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने जायजा लिया। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडलायुक्त अमित गुप्ता, IG जयनारायण सिंह, DM के विजेंद्र पांडियन, SSP डॉक्टर सुनील गुप्ता, ADM प्रशासन प्रभु नाथ, DIOS ज्ञानेन्द्र सिंह, BSA BN सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि गोरखपुर में 40 केंद्रों पर कुल 21,936 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा एक पाली में सुबह 11 बजे से 1:30 तक आयोजित है। इस परीक्षा में शिक्षा मित्र भी शामिल होंगे। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को कोर्ट के आदेश पर परीक्षा में शामिल किया जा रहा है उन्हें भी 5 जनवरी तक ऑफलाइन प्रवेश पत्र मिल जाएगा। परीक्षा के तैयारियों की समीक्षा करते हुए अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार ने सभी अधिकारियों को परीक्षा को सुचितापूर्वक सकुशल सम्पन्न कराने के निर्देश दिए। बाकी मोटी मोटी चीजें मैंने बता दी हैं। आप अदिल आपको कुछ बताना है तो आप देखिए। प्रॉब्ली सभी लोग अलग हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का वो सकुशल आप लोगों के नेतृत्व में संपन्न हुई थी और उसका रिजल्ट भी हम लोग निकाल चुके हैं। उसके बाद अभी दूसरी परीक्षा होने वाली है जिसमें कि ये अध्यापक भर्ती परीक्षा है। इसके पश्चात ही वे लोग अध्यापक की वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशन अपनी भर पाएंगे, सबमिट कर पाएंगे। तजुर्बा है केवल मंडल मुख्यालय के जिलों में ही हो रही है, तो इसलिए हमें 18 जिलों पर ही कॉन्सेंट्रेट करना है। हर जिले के डिटेल्स वहाँ उपलब्ध है, कौन से सेंटर्स हैं। परीक्षा 11 बजे से 1:30 तक होगी। एक तो ये चीज जरूरी है जानना, परीक्षा का समय हमने 10 से 11 किया था क्योंकि ठंड का मौसम है, तो हो सकता है परीक्षार्थियों के आने में थोड़ा सा उनको सुविधा हो जाएगी अगर हम थोड़ी परीक्षा को विलंब से करेंगे। उनकी तैनाती, कौन कौन से इन्विजिलेटर्स होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन और कौन कौन से मजिस्ट्रेट होंगे उनका आइडेंटिफिकेशन आप लोगों ने करके ड्यूटियां लगा दी होंगी। बाकी मोटी मोटी चीजें मैंने बता दी है। आप अदिल आपको कुछ बताना है तो आप देखिए। माध्यम से दे रहे हैं जनपदों में वो कैंडिडेट जाएंगे और उनकी सूची हम भेजेंगे और DIS को इसको लिखे जो 100 OMR शीट का परीक्षा खत्म होने से पहले। तो ये लगता है कि क्या क्या लोगों के दिमाग में चीजें जो ये निकाल के लाते हैं।